अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एलेट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। कृपया करके इसे ध्यानपूर्वक पूरा देखिए और देखने सुनने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसके तहत मेरिट के थ्रू आप इस महान यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जो एक बहुत ही रेप्यूटेड लॉ स्कूल है इंडिया के अंदर। तो साल 2020 में इसके एडमिशन के लिए अभी एप्लीकेशन तिथि जारी है और 30 जून इसकी अंतिम तिथि है एक्सटेंड होने के बाद में। तो जितने भी इच्छुक छात्र छात्राएं हैं जो कहीं ना कहीं लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लॉ के फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। आप किसी भी सर्च इंजन में जाइए, लिखिए NLU Delhi.ac.in, ऐसा लिखना है तो ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी, जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसे स्क्रॉल करते हुए ऊपर बढ़ना है, यहां देखिए लेफ्ट साइड में तो AILAT Admissions 2020 लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके सामने आ गया है, उद्धृत हो चुका है, और यहीं पर जाकर के आपने अपना एप्लीकेशन पूरा भी करना है। तो ये रही आपकी जानकारी की बात, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज हियर। इस जगह पर क्लिक करने के बाद में आपको सारी चीजें बारी बारी से भरनी है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, या फिर अगर नए हो तो यहां पर पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर आगे लॉगिन कर सकते हैं और बाकी प्रक्रिया आप आराम से कर लेंगे, मुझे पता है। अब थोड़ा सा आपको हम इसके टेस्ट के पैटर्न की बात कर लेते हैं, BLLB का कोर्स के बारे में खास करके। तो 150 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 150 अंक के होंगे। इसमें सेक्शन होंगे इंग्लिश, जनरल नॉलेज, बेसिक मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड। टोटल 1 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 1.5 घंटे में 150 क्वेश्चन करने होंगे। इंग्लिश के 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स से क्वेश्चन होंगे। टोटल 35 मार्क्स के, यानी कि 35 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन वुड बी देयर। लीगल एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के। रीजनिंग से 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 सही क्वेश्चन का मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। सो बी केयरफुल, आपने उस क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है जिसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं हो। काइंडली ट्राई टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस ओनली अबाउट विच यू आर 100% श्योर। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि यहाँ के कौन कौन से कोर्सेस हैं जो मतलब BLLB के अलावा भी जो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हो सकता है इसके लिए इच्छुक हो और यहां पर एडमिशन लेना चाहते हो। तो अगर हम कोर्सेज की बात करें तो BA LLB ऑनर्स है, BA LLB ऑनर्स एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन रेगुलेशंस, LLM प्रोग्राम इज देयर, LLM प्रोग्राम रेगुलेशंस इज देयर, LLM प्रो प्रोग्राम रेगुलेशन इज देयर, PhD इज देयर, ब्रिज कोर्स इज देयर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एंड सेवरल स्कॉलरशिप्स आर ऑल्सो देयर। तो जो 12th के बाद में है, 2 BA LLB के प्रोग्राम है और बाकी मास्टर्स के हैं जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसके हैं। कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं इसके लिए तैयारी अगर कर रहे हैं, इवन जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, वो सब के सब इसके लिए एलिजिबल हैं। और जरूर मैं उनको सजेशन दूंगा कि आप इसके एप्लीकेशन को फिल कीजिए और इसका भी एग्जामिनेशन दीजिए, क्योंकि इस जैसे अच्छे लॉ स्कूल में जहां पर पढ़ाई बहुत ही उमदा है, बहुत ही बेहतरीन है, आपको पढ़ने का जैसा मौका मिलेगा और फिर उसके बाद आप लॉ में जैसा भी करियर बनाना चाहते हो, चाहे एज एन एडवोकेट, उसके अलावा आप जज बन सकते हैं, जुडिशियरी में जा सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज में लीगल एडवाइजर के तरह में काम कर सकते हैं। आजकल बैंक्स में भी बहुत सारे
लीगल एडवाइजर रखे जाते हैं और पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। एवरेज 10 से 12 लाख का पैकेज मिल जाता है, मैक्सिमम 20 लाख तक भी जा सकता है या उससे भी ज्यादा। वो आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है, आपकी भाषा पर कितनी अच्छी कमांड है उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं वंस यू बिकम लॉ ग्रेजुएट। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार वंस अगेन।